हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पोल अकेडमिक इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से उसी कड़ी को जारी रखते हुए मैं आप लोगों को, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा तो आज मैं उसी को मैं रिपीट करूंगा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर लास्ट क्लास में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें और आपको अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि तीन ऑक्सिलियरी वर्ब, तीन हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, आर एंड एम। तो ये तीनों का जो प्रयोग अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई के साथ में एम लगता है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में आर लगते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इस लगता है। तो मुझे लिखने की जरूरत अगर नहीं पड़ेगा तो फिर अच्छी बात है, अगर लिखना भी पड़े तो मैं लिख देता हूं। आर का जो प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है वी के साथ में, यू के साथ में एंड दे के साथ में, और एम का जो प्रयोग होता है आई के साथ में, और इस का जो प्रयोग होता है ही शी इट, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ही शी एंड इट। तो ये तीन जो सब्जेक्ट्स है ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें हम लोग को इसकी इस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को हम लोग को प्रयोग करना होता है। तो आज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से शुरू करेंगे। आज ही शी यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन तो इट कोई चीज के बारे में, जैसे टेबल है, टेबल, टेबल के जगह हम लोग इट लगा रहे हैं, तो इट इज, इट इज सिटिंग क्लोज टू, क्लोज टू वॉल। मतलब इसका मतलब यह है कि ये जो हम लोग का जो टेबल जो है दीवार के नजदीक पर स्थित है, ये बोल सकते हैं इट इज सिटिंग क्लोज टू वॉल। तो यहां पर हम जैसे कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का पहला रूप के साथ हम लोग को आईएनजी जोड़ना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग सिटिंग लिखते हैं तो यहाँ पर डबल टी करना पड़ेगा, चाहे टी टी अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग की इंडियन के हिसाब से डबल टी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डबल टी आईएनजी हो गया, क्लोज, क्लोज मतलब कि नजदीक, टू वॉल दीवार से नजदीक वो स्थित है। तो ये रहा इट के साथ हम लोग इस लगाए थे। अभी मैं आई सब्जेक्ट को लेकर के मैं एक वाक्य बनाऊंगा, सिंपल वाक्य आई, आई के साथ मैं क्या लिख लूं भर, जो कि मेन भर का मैंने बात कर रहा है। आई के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई को लगाना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ड्रिंक, ड्रिंक। तो ये ड्रिंक वर्ब का पहला रूप है, तो इसमें हम लोग को आई एन जी जोड़ना पड़ेगा, ड्रिंक, ड्रिंकिंग। क्या ड्रिंकिंग कर रहे हैं लोग, जूस, जे यू आई सी, जूस। तो ये हम लोग का सिंपल वाक्य हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी अगर मुझे इसको अगर परिवर्तन करना पड़े इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, तो मैं बाहर निकाल दूंगा आई, एम आई ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जूस, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एम आई ड्रिंकिंग जूस, अगर सिंपल वाक्य जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, अगर उसको मुझे नेगेटिव में परिवर्तन करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
कुछ नहीं करने का है यहाँ पर, जैसे आई एम ड्रिंकिंग जूस, तो आई एम के बाद में नॉट जोड़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग क्या, जूस, जूस मैं नहीं पी रहा है, ये था नॉट ड्रिंकिंग जूस। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग तीनों रूप मैंने दिखा दिया, सिंपल सामान्य वाक्य आई एम ड्रिंकिंग जूस, फिर उसको मैंने परिवर्तन किया इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में हम लोग को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद में जो रहता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, सब्जेक्ट से पहले एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर वर्ब का पहला रूप, चाहे तो जैसे हम लोग जो सिंपल वाक्य में जो किए हैं उसी को जस्ट तस लिख देना पड़ता है। तो एम आई ड्रिंकिंग जूस, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आई एम नॉट ड्रिंकिंग जूस, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इस तरह से हम लोग का तीनों रूप मैंने दिखा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी मैं और एक वाक्य बनाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही, जिसमें हम लोग यू से हम लोग लेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर चाहे तो प्लुरल दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, और डिपेंड करता है वाक्य के, अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि ये सिंगुलर में है कि प्लुरल में है। तो ये हो गया यू, यू के साथ में मैंने बताया था वी यू एंड दे के साथ में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, तो यहां पर मैं लगा दूंगा आर, यू आर, यू आर क्या मैं मेन वर्ब लूं, कोई भी हम लोग ले सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेन, आजकल बारिश का मौसम है तो मैं रेन लिख रहा हूं, रेन नहीं लिखता हूं यहां पर, कहीं यू आर रेनी वो गलत हो जाएगा, तो यहां पर मैं लगाता हूं स्टैंड, स्टैंड लिखते हैं स्टैंड, यू आर स्टैंड, ये गलत होएगा, यहां पर हम लोग को आई एन जी जोड़े हुए तो पूरा हो जाएगा, यू आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहां, यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहां पर खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग देयर। अब मुझे इसको अगर नेगेटिव में परिवर्तन करने का है, इंटरोगेटिव में परिवर्तन करने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरोगेटिव के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम लोग को बाहर निकालना पड़ता है, तो ये हो गया आर यू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर, आर यू स्टैंडिंग देयर, क्या आप वहां पर खड़े हैं। अब उसका ये जो सिंपल वाक्य है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अगर हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करना पड़े, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इससे पहले हम लोग को आर के बाद आर जो है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग को क्या जोड़ना पड़ता है, नॉट। तो यहां पर मैं बता दूंगा यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर, नॉट स्टैंडिंग देयर, तो इस तरह से हो जाता है यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर, यू आर स्टैंडिंग देयर, इसका जो क्वेश्चन चाहे इसका जो इंटरोगेटिव होगा आर यू स्टैंडिंग देयर, इसका जो नेगेटिव क्या होगा यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से आपका तीनों रूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बन गया। अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट लेकर के हम लोग और इसी तरह से हम लोग वाक्य बनाएंगे, ताकि सभी को हम लोग को सभी लोग एक साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं समझ करके, कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाता है, कुछ लोग को थोड़ा वक्त लगता है समझने के लिए, तो हम लोग इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर हम लोग वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस बार हम लोग बनाते हैं दे, जो कि थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहां पर दे, दे के साथ में आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दे आर
दे आर क्या है, गो गो लिखते हैं, लेकिन यहां पर गो लिखूंगा तो फिर उसमें आई एन जी जोड़ना पड़ेगा वर्ब के साथ में, तो गोइंग, गोइंग किधर, दे आर गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव में अगर मुझे परिवर्तन करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे मैंने आपको मैंने बताया था, सेम फॉर्मूला हम लोग को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। आर दे गोइंग टू टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, आर दे गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब मुझे इसको नेगेटिव में परिवर्तन करने का है, तो नेगेटिव में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करने का है, दे आर गोइंग टू स्कूल में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद में नॉट जोड़ने का है, तो मैं यहां पर आपको लिख करके दिखाता हूं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को मेरे जो पढ़ाने के जो तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे पढ़ाने में बहुतों को फायदा भी मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ में ये जो शॉर्ट वीडियो जो है मैं इसको ऑन करता हूं। सभी लोगों को गुड नाइट, सुबह खैर, मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एक्सपेक्ट यू to help me in my channel by subscribing it. Thank you so much. Good night. Good night. Okay. Hello friends. Good evening. Sat Sri Akal. Namaskar. आप सभी लोगों को मेरे चैनल पोल अकेडमिक न्यूज सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से उसी कड़ी को जारी रखते हुए मैं आप लोगों को, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा तो आज मैं उसी तो मैं रिपीट करूंगा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर लास्ट क्लास में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें और आपको अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि तीन ऑक्सिलियरी वर्ब, तीन हेल्पिंग वर्ब होता है, इज आर एंड एम। तो ये तीनों का जो प्रयोग अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई के साथ में एम लगता है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में आर लगते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगता है। तो मुझे लिखने की जरूरत अगर नहीं पड़ेगा तो फिर अच्छी बात है, अगर लिखना भी पड़े तो मैं लिख देता हूं। आर का जो प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है वी के साथ में, यू के साथ में एंड दे के साथ में, और एम का जो प्रयोग होता है आई के साथ में, और इस का जो प्रयोग होता है ही शी इट, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ही शी एंड इट। तो ये तीन जो सब्जेक्ट्स है ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें हम लोग को इसकी इस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को हम लोग को प्रयोग करना होता है। तो आज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से शुरू करेंगे, आज ही शी यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन तो इट कोई चीज के बारे में, जैसे टेबल है, टेबल, टेबल के जगह हम लोग इट लगा रहे हैं, तो इट इज सिटिंग क्लोज टू वॉल,
मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग का जो टेबल जो है दीवार के नजदीक पर स्थित है, ये बोल सकते हैं इट इज सिटिंग क्लोज टू वॉल। तो यहां पर जैसे कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का पहला रूप के साथ हम लोग को आईएनजी जोड़ना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग सिटिंग लिखते हैं यहाँ पर डबल टी करना पड़ेगा, चाहे टी टी अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन हम लोग की इंडियन के हिसाब से डबल टी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डबल टी आई एन जी हो गया क्लोज, क्लोज मतलब कि नजदीक, टू वॉल दीवार से नजदीक वो स्थित है। तो यह रहा इट के साथ हम लोग इस लगाए थे। अभी मैं आई सब्जेक्ट को लेकर के मैं वाक्य बनाऊंगा, सिंपल वाक्य आई। आई के साथ मैं क्या लिख लू, भर जो कि मेन भर का मैं मैंने बात कर रहा है, आई के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई को लगाना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ड्रिंक, ड्रिंक। तो ये ड्रिंक वर्ब का पहला रूप है, तो इसमें हम लोग को आई एन जी जोड़ना पड़ेगा, ड्रिंक, ड्रिंकिंग। क्या ड्रिंकिंग कर रहे हैं लोग, जूस, जे यू आई सी जूस। तो ये हम लोग का सिंपल वाक्य हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी अगर मुझे इसको अगर परिवर्तन करना पड़े इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, तो मैं बाहर निकाल दूंगा आई एम आई ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जूस क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से एम आई ड्रिंकिंग जूस, अगर सिंपल वाक्य जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है अगर उसको मुझे नेगेटिव में परिवर्तन करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करने का है यहां पर। जैसे आई एम ड्रिंकिंग जूस, तो आई एम के बाद में नॉट जोड़ना पड़ता है, तो मैं यहां पर नीचे लिख करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग क्या जूस, जूस मैं नहीं पी रहा है, क्लियर है, नॉट ड्रिंकिंग जूस। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग तीनों रूप मैंने दिखा दिया, सिंपल सामान्य वाक्य आई एम ड्रिंकिंग जूस, फिर उसको मैंने परिवर्तन किया इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में हम लोग को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद जो रहता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, सब्जेक्ट से पहले आई एम, फिर उसका सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर भर का पहला रूप, चाहे तो जैसे हम लोग जो सिंपल वाक्य में जो किए हैं उसी को जस्ट तस लिख देना पड़ता है। तो am I drinking juice, ये आपका क्वेश्चन हो गया, I am not drinking juice, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इस तरह से हम लोग का तीनों रूप मैंने दिखा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी मैं और एक वाक्य बनाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही, जिसमें हम लोग यू से हम लोग लेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर चाहे तो प्लुरल दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, और डिपेंड करता है वाक्य के अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि ये सिंगुलर में है कि प्लुरल में है। तो ये हो गया यू, यू के साथ में मैंने बताया था वी यू एंड दे के साथ में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, तो यहां पर मैं लगा दूंगा आर, यू आर, यू आर। क्या मैं मेन भर्ब लू, कोई भी हम लोग ले सकते हैं, यहां पर, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेन, आजकल बारिश का मौसम है तो मैं रेन लिख रहा हूं, रेन नहीं लिखता हूं यहां पर, कहीं यू आर रेनी वो गलत हो जाएगा, तो यहां पर मैं लगाता हूं स्टैंड, स्टैंड लिखते हैं स्टैंड, यू आर स्टैंड, ये गलत होएगा, यहां पर हम लोग को आई एन जी जोड़े हुए तो पूरा हो जाएगा, यू आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहां, यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहां पर खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग देयर। अब मुझे इसको अगर
नेगेटिव में परिवर्तन करने का है, इंटरवेटिव में परिवर्तन करने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरवेटिव के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम लोग को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये हो गया आर यू स्टैंडिंग देयर आर यू स्टैंडिंग देयर, क्या आप वहां पर खड़े हैं। अब उसका ये जो सिंपल वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करना पड़े, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इससे पहले हम लोग को आर के बाद आर जो है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को क्या जानना पड़ता है, नॉट। तो यहां पर मैं बता दूंगा यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर, नॉट स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से हो जाता है, यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर, यू आर स्टैंडिंग देयर। इसका जो क्वेश्चन चाहे इसका जो इंटरोगेटिव होगा आर यू स्टैंडिंग देयर, इसका जो नेगेटिव क्या होगा यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से आपका तीनों रूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बन गया। अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट लेकर के हम लोग और इसी तरह से हम लोग वाक्य बनाएंगे, ताकि सभी को हम लोग को सभी लोग एक साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं समझ करके। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग को थोड़ा वक्त लगता है समझने के लिए। तो हम लोग इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर हम लोग वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस बार हम लोग बनाते हैं दे, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो यहां पर दे के साथ में आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दे आर क्या है, गो लिखते हैं, लेकिन यहां पर गो लिखूंगा तो फिर उसमें आई एन जी जोड़ना पड़ेगा वर्ब के साथ में। तो गोइंग किधर, दे आर गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल दे आर गोइंग टू स्कूल। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव में अगर मुझे परिवर्तन करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे मैंने आपको मैंने बताया था, सेम फॉर्मूला हम लोग को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। आर दे गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब मुझे इसको नेगेटिव में परिवर्तन करने का है, तो नेगेटिव में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करने का है, दे आर गोइंग टू स्कूल में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद में नॉट जोड़ने का है। तो मैं यहां पर आपको लिख करके दिखाता हूं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को मेरे जो पढ़ाने के जो तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे पढ़ाने में बहुतों को फायदा भी मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ में ये जो शॉर्ट वीडियो जो है मैं इसको ऑन करता हूं। सभी लोगों को गुड नाइट, सुबह खैर, मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प मी इन माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।